को देखो, ये है जूम। जूम पे मेरा अपना शो है द राखी सावंत शोज। मुझे पेज 3 पर आपने देखा होगा किस देते हुए। एनीवेज, अब किस की बात छोड़ते हैं और बात करते हैं किस्मत कनेक्शन की। परिणीता से किस्मत कनेक्शन तक विद्या बालन काफी दूर आ गई है। बात बाकी वत राखी। वाओ, आज हमारे साथ कौन है क्या आप सोच सकते हैं? माय फेवरेट द क्लैम्बस डॉल विद्या बालन। ओ माय गॉड, हाउ आर यू डार्लिंग? वेरी वेल, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। वेलकम टू द शो, द राखी सावंत शो। यस, सो अटैक अटैक। ओ वाओ, मजा आ रहा है मुझे बहुत। नो नो नो, यू डोंट हैव टू बी, आई एम गुड यार। ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विल टॉक एंड विल चैट और आपके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। टुडे यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। I've stolen your tag. Ah, little miss. Miss drama. Oh wow, good. होना ही चाहिए, जब तक जिंदगी में ड्रामा ना हो जिंदगी क्या है? Right? Absolutely. तो शुरू करें? हाँ? Okay. आप सोच सकते हैं कि मैं क्या पूछने वाली हूँ? नहीं। बताओ विद्या के शाहिद और आप में? मुझे अंदाजा था। क्या कनेक्शन है? कोस्टर्स है वो सबसे बड़ा कनेक्शन है। एंड दोस्त है, ये भी एक कनेक्शन है। सुना था कि कनाडा में शूटिंग करते वक्त आप दोनों काफी घुल मिल गए थे। बिल्कुल, मतलब ये किस्मत कनेक्शन है या फिर? नहीं, यू नो अजीज अंकल जो स्टाफ के डायरेक्टर है ना, सबको सब चीजों में यू नो इन्वॉल्व करते थे। गाना आया बॉम्बे से तो सब एक साथ बैठ के सुनते थे, खाना पीना सब कुछ साथ में होता था। तो 20 लोग साथ में थे, पर सबके बारे में लिखना तो आई डोंट थिंक पीपल वुड बी इंटरेस्टेड। तो कितने अच्छे दोस्त हैं? अच्छे दोस्त हैं, मतलब एक रैपो बहुत अच्छा बन गया था कनाडा में। एंड आई थिंक वी देयरफॉर एंजॉयड शूटिंग एंड स्टफ। ऑफ कोर्स, या पर उसके अलावा आई डोंट थिंक यू नो इट वुड बी राइट टू से ऑल द थिंग्स दैट पीपल आर सेइंग। ऑल्सो एक बार आप बॉम्बे आ जाते हैं वापस, सो थिंग्स जस्ट चेंज बिकॉज You don't have time to even keep in touch as friends, you know. Lekin darling, co-star se friendship karna buri baat bhi to nahi hai. Bilkul nahi hai. He's a co-star. And I've gotten along with all my co-stars. That's why I've gotten linked with all of them also. Okay. Aapne apne interviews mein kaha tha ke aap single nahi hai. Aur, aur aapne kaha tha ke jo bhi aapko chahta hai, uska naam S se shuru hota hai. Let me guess. Don't guess wrong. You're gonna guess wrong. S se. शाहरुख, सलमान, या शाहरुख, सलमान, शाहरुख, शत्रुघ्न सिन्हा, शक्ति कपूर, या शाहिद। ये तो उस गाने की तरह हो गया, इना, मीना, या शब्बो हो समथिंग, या समथिंग लाइक दैट। यू नो आई नेवर सेड आई एम नॉट सिंगल। द जर्नलिस्ट एक्चुअली आस्क्ड मी, अच्छा प्ले के लिए गई थी, किसके साथ गई? शख्स का नाम ऐसे तो शुरू नहीं होता। तो मैंने हंस के कहा कि हाँ ऐसे शुरू होता है, मेरी स्कूल फ्रेंड है जो कि यूएस में रहती है, अभी हाल ही में वो आई है बॉम्बे, शी वांटेड टू सी अ प्ले एंड वी वेंट फॉर अ प्ले टुगेदर। तो ही सेड ओ सो एस से शुरू होता है, सो जस्ट लाइक अ एस से। हाँ, तो सबके दिमाग में घंटी बज गई, एस मतलब समझ गए। और क्या होता है कि काफी एडिटिंग होती है पेपर्स में, तो वॉट एवर सेंसेशनल वही छाप देते हैं। सो पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट इट मस्ट बी शाहरुख। शाहरुख या लोगों के इशारे तो कहीं और भी है। मजाक कर रही है। क्या आप जीरो साइज फिगर बनाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने फिल्म के लिए वेट लूज नहीं किया, मुझे वेट लूज करना ही था तो वेट लूज किया। और आई एम जस्ट ट्राइंग टू लूज वेट, दैट्स इट। और क्यों नहीं, लूज तो करना ही चाहिए आपको। आपको देखें, मुझे देखें, मैं तो कितनी मोटी हूं। मोटी तो नहीं कहूंगी पर आप आधी हो गई है। बिकॉज योगा करती हूँ। या अभी योगा करती हैं या क्या करती हैं? योगा डाइट में ध्यान रखती हैं, शूटिंग पे जाती हैं तो क्या खाती हैं? नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ, लेके जाती हूँ। तो जैसे रोटी सब्जी दाल एंड देन अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ वाटर, या एंड देन आई डू योगा। पर मैं थक जाती हूँ एक ही रूटीन से, तो आई कीप चेंजिंग माय। यही बात मुझे समझ में नहीं आती है जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि स्किनी दिखने का, जब तक यहाँ की हड्डियाँ नहीं दिखती तब तक आप ग्लैमरस नहीं कहलाती। क्या कहना है आपका? नो आई थिंक टू ईच हिज ओन। आपको यू नो इफ यू रियली वांट टू बी रीड थिन, बहुत बहुत पतली होना, तो यू आई एम श्योर यू कैन डू वेरियस थिंग्स एंड डू दैट। आई एम हैप्पी द वे आई एम। थोड़ा बीच में मैं मोटी हो गई थी और
फिर वेट लूज किया मैंने और मैंने तो नहीं देखा आपको मोटे. नहीं यानी अ लिटिल मोर देन बिकॉज़ आप मेरे ग्रैंड में छूने आई थी. जी वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. आपका जो आई जस्ट लव हर. आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. मुझे कभी कभी हो जाता है बिकॉज शेड्यूल होता है, एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से हो जाता है. डोंट थिंक सो. एंड आई एम जस्ट समवन हु डजंट गेट ऑब्सेसिव अबाउट इट. I like to be happy. I think most importantly, I just अगर आप खुश है ना तो वो दिखता है. फिर आप चाहे if you gain a little weight, if you lose a little weight, it doesn't matter. बट खाने में जैसे आप कोई फूड है जैसे सैलेड खाती हैं या पूरा खाना खाती हैं जैसे इंडियन फूड होता है? घर का खाना बहुत अच्छा लगता है. मैं लेके जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ लेके जाती हूँ. एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे खाने का उतना शौक है नहीं, तो यू नो ज्यादातर सिंपल फूड. जब भूख लग रही होती है तो खाना मिल जाए तो बहुत है. आई डोंट केयर व्हाट इट इज और एज एन आई एम नॉट अ फूडी एट ऑल. तो सिंपल खाना, रोटी सब्जी दाल इज ग्रेट, फ्रूट्स आर ग्रेट, और बहुत पानी पीती हूँ. तो आई थिंक ऑल दीज जस्ट हेल्प ना.